अपने चैनल देसी किचन बाई रेनू डी पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही टेस्टी नाश्ता लेकर आ गई हूँ, जो कि आपको देख कर ही समझ में आ रहा होगा कि कितना टेस्टी नाश्ता है। दोस्तों, इस नाश्ते की रेसिपी को हम बताना शुरू करें उससे पहले प्लीज़ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि हम जो भी नया वीडियो लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा, जिससे कि इस नाश्ते की रेसिपी को हमने कैसे बनाया है वो आपको पूरा समझ में आए। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो जब आप बनाएंगे तो वो गलत होगा, तो फिर आपको लगेगा कि हमने गलत बताया था। तो इसलिए आप बगैर स्किप किए हुए देखिएगा। तो और इस नाश्ते को हमने किस चीज़ से बनाया है, तो चलिए हम आपके साथ अब बताते हैं। ये नाश्ता हमने सूजी और कच्चे आलू से बनाया है फ्रेंड्स। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्पंजी लग रहा है ना देखने में ये नाश्ता, बहुत ही जल्दी बनकर भी रेडी हो जाता है। एक बार बनाएंगे ना तो फिर बार बार यही बनाने का मन करेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस नाश्ते को बनाना। फ्रेंड्स, हमने आलू छील के धुल के फ्रेश करके ले लिया है और ये सूजी ले ली है। सूजी कोई भी हो, मोटी वाली हो या बारीक हो, कोई भी सूजी हो, आप उससे ये नाश्ता बना सकते हैं। तो देखिए, हमने इनको ले लिया है और हम चल के आलू को कद्दूकस कर लेते हैं सबसे पहले। और आलू को देखिए, हमने छील के धुल के फ्रेश कर ही लिया है। हमने आलू को देखिए कद्दूकस कर लिया है, कितना अच्छा बारीक टुकड़ों में कद्दूकस हुआ है। और अब उसके बाद कद्दूकस करने के बाद हमने इसको दो तीन पानी से एकदम फ्रेश पानी से धुल लिया और धुल कर एकदम फ्रेश कर लिया है। हमने कढ़ाई में 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड किया है। आपके यहाँ जो भी तेल खाने में यूज होता है वो आप यूज कर सकते हैं। देखिए, ये तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा जीरा ऐड कर देंगे। देखिए, हमारा जीरा चटकने लगा है। और अब इसी समय पे हम हरी मिर्च एक ठू काट के रखे हैं उसको ऐड कर देंगे। और अब इनको हम चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे। और अब इसी समय पे हमें ये आलू ऐड करना है, जो कि हमने कद्दूकस करके रखे हुए हैं। और आलू ऐड करने के बाद इसको भी हम थोड़ा सा चलाते हुए भून लेंगे अच्छे से। देखिए, हमने 1 से 2 मिनट तक आलू को अच्छे से भून लिया है और आलू का कलर देखिए चेंज हो गया है, थोड़ा अच्छा लग रहा है ना देखने में एकदम। और अब इसी टाइम पे इस आलू में हम पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे। देखिए, खूब अच्छे से। और अब इसमें आप मतलब पानी हिसाब से रखिएगा, जिससे कि जितना आपका सूजी सोख कर ले पानी, उसके हिसाब से पानी रखिएगा। और अब यहाँ पे हम थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। इसमें ऑप्शनल है, आपका मन हो तो आप ऐड करिए, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसको अच्छे से देखिए मिला देंगे। और मिलाने के बाद अब एक उबाल आने तक इसको हम पकने देंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए, हमारी बैटर में खूब अच्छी तरह से उबाल आ गया है। और अब इसमें हम सूजी ऐड करेंगे, जो सूजी हमने यह सूजी को हम ऐड करते रहेंगे और उसको चलाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके। देखिए, हमने सूजी को ऐड कर दिया, चलाते हुए ही ऐड किया है। सूजी चलाते हुए ऐड करिए, अगर चलाते रहिए एक तरफ और एक तरफ से थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहिए, उसका हमें टेक्सचर अच्छा समझ में आता है कि हमें मतलब कि सूजी हमारी, अगर आपको सूजी इस टाइम की मतलब कि लग रही है कि आपकी सूजी ज़्यादा है तो आप थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। और अब इस टाइम पे हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। इसी समय नमक आप टेस्ट के हिसाब से ही ऐड करिएगा, जिससे नमक ज़्यादा ना हो। और हरा धनिया हमने काट के रखा है, उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, इसे चलाते हुए ही इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमारी सूजी अब कढ़ाई छोड़ने लगी है, उसको तभी तक हमें पकाना चलाना है जब तक ये कढ़ाई छोड़ने ना लगे। जब कढ़ाई पक जाती है तो अपने आप ही ये चारों तरफ से कढ़ाई छोड़ने लगती है। और अब अच्छे से हम चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं इसको। तो देखिए, एक दो मिनट तक हमने इनको गैस के फ्लेम को मीडियम हाई करके चलाया और हमारी सूजी खूब अच्छी तरह से कढ़ाई छोड़ दी है। या
देख रहे हैं आप। और अब इसको हम एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये वेटर हो चुका है खूब अच्छे से ठंडा। और अब इसको हम खूब अच्छे से मैश कर लेंगे हाथों से, खूब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर ये हाथ हो मान लीजिए चिपके तो थोड़ा सा ऑयल लगा के कर लीजिएगा, वैसे चिपकता नहीं है। जब अच्छे से रेडी हो जाता है ना तो चिपकता नहीं है। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जैसे आटे का डो बनाते हैं ना उसी तरीके से आप इसका डो बना लीजिए खूब अच्छे से। तो देखिए ये डो बनाकर हमने अच्छे से रेडी कर लिया है, हमारा डो एकदम ये रेडी हो चुका है खूब अच्छे से। और अब इसको हम थोड़ा थोड़ा बेटर लेकर आप अपने मन चाहे शेप में जो भी शेप आपको बनाना है आप अपने हिसाब से बना लीजिए। हम तो देखिए इस बेटर से हम इसे छोटा छोटा, चाहे आप टेढ़े के शेप में बनाएं या थोड़ा बड़ा बनाएं, टिक्की जैसा, पकौड़ी जैसा, जैसा भी आपका मन करे आप अपने हिसाब से इसको बनाकर रेडी कर लें। तो हम भी देखिए इसी तरीके से बनाकर रेडी कर लेते हैं। देखिए हमने बनाकर रेडी कर लिया है, बॉल्स पेड़ा जो भी शेप आप इसको समझिए उस हिसाब से हमने बना लिए हैं इसको। हमने अपने हिसाब से बना लिए हैं, अपने हिसाब से जिस भी तरीके से आप बनाना चाहें आप बनाकर रेडी कर लें। अब हम चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए। आप चाहे इसको मतलब तेल में छानें, हम इसको तेल में छानेंगे नहीं, हम इसको सिर्फ फ्राई करेंगे। इनको फ्राई करने के लिए देखिए इधर हमने गैस की फ्लेम को ऑन करके कढ़ाई रख दिया है, कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है। और अब हम कढ़ाई में ऑयल ऐड कर देंगे। तो देखिए हमने रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिया, एक बड़े चम्मच जितना हमने रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिया है। हमारी कढ़ाई देखिए गर्म हो गई है। और अब इसमें हम यहाँ पे राई ऐड करेंगे। आपके पास करी पत्ता है तो करी पत्ता ज़रूर ऐड करिए। मेरे पास करी पत्ता ख़त्म हो गया है इसलिए मैं करी पत्ता नहीं ऐड कर रही हूँ। करी पत्ते के साथ जब इसको तड़का लगाते हैं, फ्राई करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है टेस्ट में। हमारी राई चटक चुकी है खूब अच्छी तरह से। और अब इस नाश्ते को हम इसमें ऐड करेंगे। नाश्ते को देखिए एक एक करके हम ऐसे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये हमने टमाटर पाउडर ले लिया है। टमाटर पाउडर आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा इसका वीडियो। ये हम ऐड कर देंगे। और इसको ऐड करने के बाद अब यहाँ पे हम मैगी मसाला ऐड करेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आपके पास ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ऐड करिए, नहीं तो नहीं। उसके बाद हम ये हरा धनिया कटा हुआ ऐड कर देंगे। और नमक हमने डाला है तो मर्जी है तो थोड़ा सा नमक यहाँ पे ऐड कर दीजिए, नहीं तो काम भर का नमक हमने डाल दिया है पहले से ही, तो ज़्यादा नमक हम नहीं डालेंगे, बस उतना ही डालेंगे जिससे कि जो मसाले हम ऐड करें उसमें एक अच्छा सा टेक्स्चर आ जाए, टेस्ट बन जाए। और अब इसको हम अच्छे से चला लेंगे, ऊपर नीचे करके मिक्स कर देंगे खूब अच्छे से इस नाश्ते को। बहुत ज़्यादा इसको हमें वो नहीं करना है, हम इसको तुरंत फ्राई कर रहे हैं। अगर आपको करना है तो इस तरीके से इस नाश्ते को बना कर आप दो चार मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो और भी अच्छा बनकर रेडी होगा ये। तो हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, बनकर रेडी हो गया है हमारा ये नाश्ता। हम इसको फ्राई भी कर लिया है, कितना अच्छा देखने में इसका कलर और टेक्स्चर लग रहा है। और इनको हम सर्व कर लेंगे। इतना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो गया है। हमने इनको सिर्फ दो मिनट तक भूना है और हम सर्व। देखिए फ्रेंड्स बनकर रेडी हो गया है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पंजी और बहुत ही टेस्टी ये कच्ची आलू और सूजी का नाश्ता। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड्स देखने में, बहुत ही टेस्टी भी लगता है फ्रेंड्स ये खाने में भी। अगर इस नाश्ते को आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके घर में सब फरमाइश करेंगे बार बार यही नाश्ता बनाने की। तो आप भी इस नाश्ते को हमारे तरीके से ट्राई ज़रूर करिएगा और हमारा बताया हुआ तरीका आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे कि हम जो भी नया वीडियो लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। तो चलिए एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे, जय माता दी।